What's up guys, मैं आशीष, वेलकम टू माई चैनल वी आर लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। भाई मैं बिना सर्विस अब मैंने शॉर्ट में बोलना शुरू कर दिया वी आर, क्योंकि भाई बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में बोलूँ इसको, इसलिए वी आर बोला। सो गाइस भाई आज हम जा रहे हैं मेरी बहन के घर पे, तो वहाँ पे उन्होंने हमें भाई इन्वाइट किया डिनर के लिए, तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी और भाई दो भतीजे भी साथ में हम जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको भाई एक रेस्टोरेंट दिखाना चाहता हूँ जो जिसकी ब्रांच हमारे गांव में भी है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा एक कट लेता हूँ। सो गाइस भाई ये है ब्रांच हमारे गांव की कौशिक स्वीट्स के नाम से, और एक्चुअली मैं ये यहीं था अभी जुआसन में, तो इन्होंने हमारे गांव में जाके एक और रेस्टोरेंट मतलब इसी की ब्रांच कह सकते हो आप उसको, वहाँ पर खोल दी। तो मैंने सोचा कि भाई इसकी वीडियो बनानी बनती है, इसलिए मैंने आपको इसकी वीडियो में मतलब आपके साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये यहाँ हमारे गांव में भी रावता गांव में है ना। इसको दिखाने की दोस्तों सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि ये भाई एक यहाँ पे है अभी जुआसन में दिल्ली में और एक हमारे गांव में बस, और कौशिक स्वीट्स वाले के साथ भाई मेरे अच्छे काफ़ी अच्छे कनेक्शन है भाई, और मेरे दोस्त भी है भाई वहाँ पर कौशिक स्वीट्स में, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाने की सोची। थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ खा भी लेंगे और भाई वे लड़के भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि भाई वे भी हमारी वीडियो देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉट डाल देता हूँ। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने बहन के घर पे, और ये गली है सामने वो सब खड़े हैं हमारा, थोड़ा सा वो कुछ करते होंगे जो भी रसम वसम है। अब तो पुराने भतीजे नई भतीजी आई थी। तो दोस्तों ये आ गए हमारे लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक। ना ना बैठे रहो जी, जाओ जी खा ले खा ले। रवीना चाचा तने मेरी बात।
तो गाइस देखो भाई ये कैसे खा रहे हैं सब। कुकी में बीत रही है कुकी, आप शुक्रवार से मतलब बीत रही है कुकी में हैं सही में देंगे ना भर्ती। अच्छा हमने पीछे कहीं उतार दो ए ना पड़ेगा ना तो आ जाऊंगे अंदर से सारे। सो भाई गाइस हम अपनी बहन के घर से, क्योंकि मेरी बहन भाई यहाँ पे कटवाड़े सराय में रहती हूँ, वहाँ पे आपको मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो हम वहाँ से निकल के भाई अभी यहाँ से कुछ ही मतलब कुछ ही किलोमीटर दूर पे यहाँ पे भाई बंगला साहिब, तो हम वहाँ पे आए। ये आप देखो तो भाई हम आ गए यहाँ पे बंगला साहिब में, थोड़ा सा घूम ली शायद अंदर जाके, भाई फ़ोन अलाउड है नहीं अंदर, तो भाई बाहर से ही दिखा पाऊँगा आपको मैं, पर जितना भी है भाई उतना दिखाऊँगा। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको बहुत सारे मतलब मेरी बहन के लड़के लड़कियाँ सब आए हुए हैं साथ में, और देखो भाई यहाँ से शुरू हो रहे आगे भी दिखाता हूँ। सो भाई ये सारे जा रहे हैं आगे तक का तो अलाउड है, फोटोज वीडियोज जो भी है यहाँ तक का दिखा सकता हूँ आपको, अंदर का है नहीं अलाउड, तो अंदर नहीं दिखा पाऊंगा, देख के आएंगे। सो गाइस भाई बंगला साहिब के अंदर घूम आए भाई, कुछ कुछ मज़ा नहीं आया इतना खास, तो अब भाई यहीं से थोड़ी सी दूर पे इंडिया गेट है वहाँ जाएंगे, वहाँ का आपको थोड़ा सा बढ़िया सा कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा रात का। ठीक है दोस्तों चलो फिर वहीं चलते हैं, अब आगे की वीडियो वहीं की आएगी। सो भाई दोस्तों अब आ चुके वापस घर पर, सॉरी इंडिया गेट पर नहीं जा पाए क्योंकि भाई इंडिया गेट पर चल रहा काम, वहाँ पर सब ही मतलब बहुत अंधेरा था, कुछ लाइट वाइट नहीं मतलब कोई लाइट भी नहीं जली हुई थी वहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैंने तो शॉट भी नहीं लिया क्योंकि भाई मैं कार चला रहा था इसलिए मैं शॉट भी नहीं ले पाया अंधेरे का। लेकिन आपको तो पता ही होगा सब कोई कि बंगला साहिब गुरुद्वारे के कितना पास है इंडिया गेट, बहुत ही पास है, लेकिन कुछ था नहीं भाई दिखाने को इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पर, तो हम सीधे भाई डायरेक्ट घर पर आ गए। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी भाई जाना हुआ फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा वहाँ जाने का तो मैं आपको ज़रूर दूंगा उसका बढ़िया सा रिव्यू। और भाई
बहुत सारी चीज़ है भाई दिल्ली में, और उसके कटवाड़े सराय के आसपास भी बहुत सारी चीज़ है। आपको पता ही होगा वहाँ पे मेहरौली भी है, मेहरौली में कुतुब मीनार है, और आसपास जंतर मंतर भाई बहुत सारी जगह है दिल्ली में घूमने की। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें और दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तो भाई बस ऐसे ही प्लान बन गया था बच्चों का, क्योंकि रात के समय भाई ठीक लगता थोड़ा बंगला साहब गुरुद्वारा देखना, और इंडिया गेट का ही प्लान था क्योंकि इंडिया गेट पे भी भाई बहुत सारी लाइटिंग वाइटिंग के इफेक्ट होते हैं, लेकिन भाई अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चला हुआ है इसलिए वो बंद पड़ा है। जब कभी दोबारा से ओपन होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, एक बार वेस्ट ऑफ वंडर भी जाऊँगा भाई। सो भाई आप वेट करना, और भाई वीडियो देखना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना भाई। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में आपसे फिर से। बाय।